आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, प्रश्न है नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता --- होती है। विकल्प हमारे सामने है 3, 5, 4 और 6। इनमें से हमें बताना है कि नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता क्या होगी। तो नाइट्रोजन के बारे में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं 1s2, 2s2, 2p3, ठीक है। अगर हम देखें बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसके, बाह्यतम कोश क्या होता है, संयोजी कोश कहलाता है। जो सबसे बाहर का कोश होता है उसे हम कहते हैं संयोजी कोश। और बाहर का कोश कौन सा होता है, जहां पर ये जो अंक होता है ये सबसे बड़ा होता है, वही उसका बाह्यतम कोश होता है, ठीक। तो यहाँ पर सबसे बड़ा अंक क्या है, 2 है, तो बाह्यतम कोश कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अब देखें बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बाह्यतम संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, वो है कुल 5। कितनी है, 5 है। लेकिन अगर हम देखें तो 2s2 यानी कि s उपकोष पूर्ण भरा हुआ है, तो यहाँ लिख लेते हैं s जो है वो पूर्ण भरा है, इसलिए ये क्या है, स्थाई है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने या इसमें इलेक्ट्रॉन डालने बहुत मुश्किल है, इसमें ऊर्जा बहुत अधिक चाहिए। लेकिन 2p3 की बात करें तो नाइट्रोजन, ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है और 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेकर के, और ये क्या करेगा, अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। अब 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 चाहिए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, तो कितने ग्रहण कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, ठीक है ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वह उसकी सहसंयोजकता कहलाती है। तो इसकी सहसंयोजकता कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास, 3 आएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।